causes for the downfall of the Gupta Empire. More clearly, for nearly 250 years, the Gupta Empire provided political unity, good administration, and economy. और 250 इयर्स तक क्या हुआ, जो गुप्ता एम्पायर है उसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल यूनिटी आई, गुड एडमिनिस्ट्रेशन चला, अपना लाइक अपना एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर चल रहा था, इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस टू नॉर्थ इंडिया हो रहा था. द पीरियड देयर फॉर हैज बीन राइटली रिगार्डेड एज अ मोस्ट ग्लोरियस इपोच इन इंडियन हिस्ट्री. ये जो पीरियड क्या है उसको अपन ने क्या बोला है, एक ग्लोरियस इपोच इन द इंडियन हिस्ट्री. बट क्या हो गया, धीरे धीरे ये सीन स्टार्टेड डिसअपीयरिंग. द डिफिकल्टीज ऑफ द एम्पायर बिगैन ड्यूरिंग द अलर्ट पीरियड ऑफ द रेजिम ऑफ कुमार गुप्ता. द डिफिकल्टीज ऑफ द एम्पायर बिगैन ड्यूरिंग द अलर्ट पीरियड ऑफ द रेजिम ऑफ गुप्ता वन. स्कंद गुप्ता फेस देम सक्सेसफुली बट कुड नॉट फिनिश देम. स्कंद गुप्ता ने क्या किया, उसने इन सबका सामना अच्छे से किया बट वो सक्सेस नहीं हो पाया. द डिफिकल्टीज वेर कन्वर्टेड इन टू वीकनेसेस आफ्टर हिम व्हेन हिज वीक सक्सेसर फेल टू राइज टू द ओकेजन. सी, वो जो डिफिकल्टीज है, जो उनके डिफिकल्टीज थी वो उनकी कमजोरी बन गई, और उसके बाद जो स्कंद गुप्ता के बाद जो सक्सेसर थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे एंड दे फेल्ड टू राइज ऑन द ओकेजन. दिस लेड टू द डिसरप्शन and finally to the extinction of the empire. See, this led to the disruption. इसके वजह से क्या हुआ, this led to the disruption and finally क्या हो गया, ये empire ख़त्म हो गया. The Gupta empire also made the fate of the Mauryan empire and the causes to more or less were similar. Skanda Gupta successfully checked the invention of the Huns as a crown princes as an empire of inflicted crushing defeat on them. अब गुप्ता एम्पायर क्या हो गया, अभी उन्होंने मौर्य एम्पायर, द कॉज टू मोर और लेस वेर सिमिलर. अभी जिस तरह से गुप्ता एम्पायर ख़त्म हुआ, सॉरी जिस तरह से मौर्य एम्पायर ख़त्म हुआ उसी तरह गुप्ता एम्पायर भी ख़त्म हुआ. अब कॉजेस क्या थे, दोनों के बहुत सिमिलर ही थे. लाइक उन लोगों ने हंस को आने से नहीं रोक पाए तो हंस आ गए एंड दे बिकेम द प्रिंस, और उन्होंने गुप्ता एम्पायर को पूरी तरह से क्रश कर दिया. He also scuffled in eliminating completely. वो और क्या हो गया, ये जो हंस है उन्होंने गुप्ता एम्पायर को पूरी तरह से फिनिश कर दिया. The threat posed by Pushyamitra to the empire, yet this campaign heavily taxed the financial and military resources of the empire. See, the threat posed by the Pushyamitra. अब Pushyamitra से उनको जो धोखा मिला उसके वजह से क्या है, हैवी टैक्स भरना पड़ा, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री रिसोर्स ऑफ द एम्पायर भी क्या हो गए, पूरी तरह से वीक हो गए. देयर फॉर ही वॉज फोर्स्ड, देयर फॉर ही वॉज फोर्स्ड टू लोअर द क्वालिटी ऑफ हिज गोल्ड कॉइन. क्या हो गया, जो गोल्ड कॉइन की क्वालिटी क्या हो गई, वो लो हो गई. इट मीन्स दैट द एम्पायर वॉज अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेन. अब क्या हो गया, गुप्ता एम्पायर को क्या हो गया, नाउ द गुप्ता एम्पायर इज फेसिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेन. मतलब फाइनेंशियली भी गुप्ता एम्पायर पूरा वीक हो गया. हाउएवर स्कंद गुप्ता वॉज सक्सेसफुल. बट लास्ट जो था स्कंद गुप्ता वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था. बट आफ्टर हिम द गुप्ता रूलर प्रूव इनकम्पोनेंट. बट स्कंद गुप्ता के डेथ के बाद क्या हुआ, गुप्ता रूलर क्या हुआ, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, वो इनफैक्ट पावरफुल भी नहीं रहा. द इनकम्पोनेंट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन एनिमिटीज. अब जब राजा ही सक्सेसफुल नहीं है, अच्छे से नहीं हैंडल कर रहा है, अच्छे से सब कुछ नहीं कर रहा है काम, तो क्या हो गया, तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज अपने आप बढ़ जाएंगे ना आपके. अगर आप स्ट्रांग रहोगे राइट और सब अच्छे से करोगे तो क्या है, आपके एनिमीज आजू बाजू भी नहीं आएंगे ना आपके, वो 10 बार सोच के आएंगे. बट पता है कि अपना राजा ही वीक है, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता और ना ही फाइनेंशियली इतना स्टेबल है, तो क्या है, धीरे धीरे इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज बढ़ने लग गए. द प्रोविजनल गवर्नर
बिगैन टू असर्ट इंडिपेंडेंट राइट फ्रॉम द रीजन ऑफ कुरुकुस्तान। जो प्रोविजनल गवर्नर थे वो क्या कर रहे हैं, वो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे थे। जो जो ये कुरुकुस्तान में थे वो क्या करने लगे, वो अपना इंडिपेंडेंस खुद ही डिक्लेयर करने लगे। एम्परर बुद्ध गुप्ता वॉज हार्डली एबल टू मेंटेन अ शो ऑफ सुरेनिटी ओवर इज गवर्नर। एम्परर बुद्ध गुप्ता वो तो किसी काम का नहीं था, ही कम्प्लीटली फेल्ड कि बाबा कि ये जो लोग जो गवर्नर करने को राजा दिया है हमें चलाने को, वो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं तो मैं उनको रोकू करूँ, ये कुछ नहीं कर पा रहे थे वो। ये चुपचाप बैठ के देख रहा था वो बुद्ध गुप्ता, क्योंकि बहुत वीक था वो, पता था मैं लड़ नहीं पाऊँगा तो अननेसेसरी बोल के कुछ फ़ायदा है नहीं। आफ्टर हिम इवन द नॉमिनल सुजरेनिटी वॉज थ्रोन ऑफ बाय द गवर्नर एंड दे बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर। जो थोड़ी बहुत भी डील थी वो भी उन्होंने तोड़ दी और वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। द सेम वे द लेटर गुप्ता रूलर फेल टू फेस देयर इंटरनल एनिमीज लाइक द वकाटकास एंड द हॉन्स। उसी तरह क्या हुआ, उसके बाद भी गुप्ता जो क्या कर पा रहे थे, अपन जो इंटरनल एक्सटर्नल एनिमीज बोल रहे थे उनको भी वो नहीं रोक पाए। इंटरनल एनिमीज को छोड़ दो, उन्होंने खुद को जो गवर्नर करने को, जो अपन ने देखा कि किंग को उधर का उन्होंने गवर्नर बना दिया, तू तेरा रूल कर बट मुझे इतना इतना दे। अब वो किंग ने क्या कर दिया, अब पता है राजा स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो किंग लोगों ने क्या कर दिया, अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। और थोड़े दिन के बाद जो थोड़ा बहुत भी छोटा मोटा ट्रीटी चल रहा था वो भी तोड़ के पूरा इंडिपेंडेंट कर दिया अपना राज्य, राइट। और जो एक्सटर्नल एनिमीज थे दे वेर द वटाकास एंड द हॉर्न्स, राइट, वो भी क्या हो गए, वो भी आने लग गए। इवन दे फेल्ड टू फेस देम। दस द इनकॉम्पिटेंट ऑफ द गुप्ता रूलर्स आफ्टर द स्कंद गुप्ता वॉज वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर। दस ये क्या था, जो गुप्ता रूलर थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए यहाँ पे। आफ्टर स्कंद गुप्ता क्या था, गुप्ता रूलर जो था वो धीरे धीरे वीक होने लग गया और वीक होते होते धीरे धीरे इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। इन द एब्सेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी रूलर्स नो एम्पायर कुड बी प्रिजर्व इन दोज टाइम। सी अभी अपना रूलर ही स्ट्रांग नहीं है तो अब आपका एम्पायर कैसे बचाओगे। सी अगर आपके घर के बड़े बूढ़े स्ट्रांग रहेंगे तो क्या है, आपका घर अच्छे से चलेगा, राइट, हर कोई उनकी बात मानेगा। लेकिन आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग ही नहीं है तो उनकी बात कोई मानेगा क्या, नहीं, बाकी सब लोग अपनी अपनी मनमानी करेंगे एंड ऑल, ऐसे ही सब कुछ चलेगा। द गुप्ता ऑल्सो लॉस्ट देयर एम्पायर प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर ओन इनकॉम्पिटेंसी। अब गुप्ता ने क्या है, जो उनका इतना बड़ा एम्पायर था, जो उनके पास सब पे राज करने की ताकत थी, वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गई एंड स्लोली स्लोली इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग कम्प्लीटली। अनदर फैक्टर विच ब्रॉट रेन टू द गुप्ता रूलर वॉज द ओन इंटरनल डिसेशन। एक और फैक्ट जिसकी वजह से गुप्ता रूलर ख़त्म हो गया वो था इंटरनल डिसेशन, मतलब जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी, इंटरनल लोग जो उन पर हमला कर रहे थे, वो एक अनदर प्रॉब्लम था उनके पास। आफ्टर कुमार गुप्ता द सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज ऑलवेज डिप्यूटेड, प्रोबेबली इवन स्कंद गुप्ता हैड टू फाइट अगेंस्ट कुरु गुप्ता टू गेट द थ्रोन। आफ्टर कुमार गुप्ता क्या हुआ, उनका सक्सेशन, उसको थ्रोन नहीं मिला, उसको प्रोबेबली डिस्प्यूट करना पड़ा, बहुत झगड़ा हुआ, बहुत झगड़े के बाद क्या हुआ, स्कंद गुप्ता को थ्रोन मिला, राइट। उसके बाद उस स्कंद गुप्ता को पूर्व गुप्ता के अगेंस्ट फाइट करना पड़ा, पूर्व गुप्ता और स्कंद गुप्ता का फाइट हुआ एंड फाइनली स्कंद गुप्ता ही केम ऑन द थ्रोन। आफ्टर द डेथ ऑफ पूर्व गुप्ता द राइवल प्रिंस ऑफ द फैमिली फॉट अगेंस्ट देमसेल्फ एंड द एम्पायर वॉज डिफीटेड। पूर्व गुप्ता की डेथ हो गई बट उनके घर में लड़का वगैरह थे तो क्या हो गया, वो आपस में ही झगड़ा करने लगे, अंदर के अंदर ही झगड़ा करने लगे, इसकी वजह से क्या हुआ, उनका एम्पायर वीक हो गया, राइट, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो गया वीक हो गया, आपस में तो झगड़ा करने लग गए वो लोग, तो ये भी एक रीज़न खुला गया है। प्रोबेबली फॉर फ्यू ईयर्स नरसिम्हा गुप्ता रूल्ड इन मक्का वाइल एट द सेम टाइम
विनय गुप्ता रूल्ड ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर एंड बुद्ध गुप्ता हु असेंडेड द थ्रोन इन 477 AD वॉज नॉट द रूलर ऑफ द कॉन्फ्लिक्टेड एम्पायर बट रैदर द हेड ऑफ फेडरल स्टेट। अभी ये जो झगड़े चल रहे थे इंटरनल की वजह से, उसका नतीजा क्या हुआ, कुछ साल बाद क्या हुआ, नरसिम्हा गुप्ता क्या हुआ, ही रूल्ड इन मगधा। नरसिम्हा गुप्ता ने क्या किया, वो मगधा में रूल करने लग गए। एट द सेम टाइम विनया गुप्ता व्हाट ही डिड, ही रूल्ड ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर। सी, नरसिम्हा गुप्ता रूल्ड इन मगधा एंड विनया गुप्ता ही रूल्ड ओवर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर। और बुद्ध गुप्ता था, उसको आप नहीं बोल सकते थे कि वो राजा था, बुद्ध गुप्ता को राजा नहीं बोल सकते थे, क्यों, उसको थ्रोन दिया ही नहीं था, बट उसको क्या दिया था, ही वॉज गिवन द फेडरल स्टेट, बट रादर उसको क्या दिया था, ही वॉज मेड द हेड ऑफ द फेडरल स्टेट। आफ्टर हिम इवन द सिम्बेलेंस ऑफ यूनिटी वॉज ओवर थ्रोन एंड डिफरेंट गुप्ता प्रिंस और रूलर टुक अपोजिट साइड इन द स्ट्रगल्स ऑफ एंड पॉलिटिकल कंक्लूजन ऑफ द पीरियड। आफ्टर हिम क्या हो गया, अभी विनय गुप्ता नरसिम्हा गुप्ता के बाद क्या हो गया, सारा जो यूनिटी था ये सब तो चला ही गया और बहुत से अलग अलग गुप्ता प्रिंसेस आ गए और वो सब एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रगल करने लगे एंड पॉलिटिकली कंक्लूजन ऑफ द पीरियड। अभी वो लोग आपस में ही झगड़ा करने लगे तो नतीजा क्या होगा, एक किसी ना किसी का तो ख़त्म होना ही है, तो इस तरह से क्या हो गया, दिस गुप्ता पीरियड केम टू द एंड। दिस सर्टनली हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द एम्पायर। अब इससे क्या हो गया, ये एम्पायर धीरे धीरे गिरने लग गया, मतलब उसका कुछ रहा ही नहीं एम्पायर का। पुट टुगेदर द इनकॉम्पिटेंस ऑफ द लेटर गुप्ता रूलर एंड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वीकेंड द सेंट्रल अथॉरिटी विच एनकरेज बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनिमीज ऑफ द एम्पायर टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। अगर आप सारा देखोगे तो क्या पता चलेगा अपने को, ये जो गुप्ता थे, गुप्ता रूलर्स थे, वो क्या थे, इतने सक्सेसफुल नहीं थे और क्या हो रहा था, उनके अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो वीक हो रहे थे और सेंट्रल अथॉरिटी विच एनकरेज, और जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनिमीज ऑफ द एम्पायर टुक एडवांटेज ऑफ इट। सी, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, जो एनिमीज थे, उनके इंटरनल एक्सटर्नल एनिमीज वगैरह थे, उन्होंने इस एम्पायर का फ़ायदा उठाया, उन्होंने इस चीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाया एंड क्या हो गया, दे टुक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन और धीरे धीरे ये गुप्ता एम्पायर वीक हो गया। एनिमीज लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया, पता है कि बाबा इनका इंटरनल बहुत झगड़ा चल रहा है, उनका इंटरनल बहुत इशू चल रहा है, तो क्या किया एनिमीज लोगों ने, उसका फ़ायदा उठाया बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वाइल द वकाटका रूलर एंड द हुनास एंटेस्ट इंपेरियल टेरिटरी फ्रॉम आउटसाइड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ब्रोक अप द यूनिटी ऑफ द एम्पायर फ्रॉम विद इन बाय असर्टिंग द इंडिपेंडेंस। सी, ये जो वकाटका रूलर्स और हंग्स थे, वो क्या हुआ, वो जो उनकी टेरिटरी थी वो आउटसाइड से ही कंट्रोल कर रहे थे और उन्होंने धीरे धीरे और फिर क्या हो गया, धीरे धीरे उनका रूलर वीक हो गया और ये हंस लोग भी उनके टेरिटरी पे कब्जा करके उनको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लग गए। नाउ द सक्सेसर ऑफ वसु वर्मा इन मालवा एनकरेज अदर्स। सी, अब ये जो सक्सेस ऑफ यशो वर्मा इन मालवा, वो क्या कर रहे थे, वो एनकरेज कर रहे थे अदर लोगों को। द मैतर कास्ट अज्यूम इंडिपेंडेंस एट वल्लभी, द मुखराजिस क्रिएटेड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन द अपर गंगा वैली एंड द गांड्स प्रेस्टेड बंगाल फ्रॉम द गुप्तास। अब क्या हो गया, ये जो वैत्रकास क्या है, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया एट वल्लभी, और जो मुखारिस थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना दिया था कहाँ पे, इन द अपर गंगल अपर गैंग्स वैली, एंड द गंडास उन्होंने वेस्ट बंगाल में अपनी आज़ादी मना ली थी फ्रॉम गुप्तास। द वीक गुप्ता रूलर्स फेल टू चेक द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर। सी, ये जो द वीक गुप्ता रूलर्स थे, व्हाट हैपेंड, दे फेल टू चेक द इंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर।
When the Gupta Empire weakened, the Vataka rulers alliance with the Gupta during the time of अब जब ये वताका rulers गुप्ता एम्पायर वीक हो गया तो ये वकाटा का रूलर्स दे केम अप हु एक्चुअली हैव और ये अपन ने देखा था गुप्ताज में और ये वताका काज में क्या था उनका एक मैट्रिमोनियल अलायंस था अब उसका भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा. नरेंद्र सेन अटैक द टेरिटरी ऑफ द एम्पायर इन मालवा कोसला एंड मैकाला ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बुद्ध गुप्ता विच वीकन द अथॉरिटी ऑफ द गुप्ता इन मध्य प्रदेश एंड बुंदेलखंड. सी अब यहाँ पे क्या हो गया, नरेंद्र सेन इसने क्या किया, ही अटैक द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर. उसने टेरिटरीज पे अटैक किया लाइक मालवा पे, कोसला पे एंड मखाला पे. कब? ड्यूरिंग द बुद्ध गुप्ता पीरियड. अभी उसने ये जो गुप्ता एम्पायर के जो ये इलाके थे उस पर उसने अटैक कर दिया और गुप्ता एम्पायर क्या हो गया, और ज़्यादा वीक हो गया. कहाँ पे हुआ भी? इन मध्य प्रदेश एंड बुंदेलखंड. आफ्टरवर्ड्स द वकाटा का रूलर हंसेन ऑल्सो अटैक द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर. उसके बाद क्या हुआ, जो वकाटा का रूलर था हंसेन, उसने बाउंड्रीज जो थी गुप्ता एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी उधर भी अटैक कर दिया. दिस अटैक ऑफ द वकाटा का रूलर पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग द अथॉरिटी ऑफ द गुप्ताज इन मालवास गुजरात एंड बुंदेलखंड एंड एनकरेजिंग द गवर्नमेंट टू असर्ट द इंडिपेंडेंसी. अभी अटैक की वजह से क्या हुआ, जब ये वकाटका ने मालवा पे वगैरह बुंदेलखंड पे अटैक किया, उसके बाद गुप्ता के जो बाउंड्रीज थी उधर सब अटैक किया, इस अटैक की वजह से क्या हो गया, ये गुप्ता और ज़्यादा वीक हो गए. कहाँ? मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, ये भी सब उनके हाथ से गया. और क्या हुआ, और यहाँ पे उनका जो बाकी जो गवर्नर थे उधर के, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंस दिया और गुप्ता एम्पायर पूरी तरह से वीक हो गया. विल वाइंड अप द आवर लेक्चर हियर. अब यही पॉइंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन. थैंक यू.